अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम अपने इम्यूनोलॉजी टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एंटीजन की नेचर क्या होती है? एंटीजन की नेचर हमेशा पेप्टाइड होती है। हेप्टन हमारे पास हर चीज होता है, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ड्रग, इसकी नेचर ऐसी कोई भी हो सकती है, लेकिन हेप्टन बजाते खुद कभी भी पेप्टाइड नहीं हो सकता। इस वजह से ये इम्यूनोजेनिक नहीं होता खुद। इसको इम्यूनोजेनिक होने के लिए हमेशा एक कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। हेप्टन खुद कभी भी पेप्टाइड नहीं होता। विच कनेक्ट्स इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी को अडेप्टिव इम्यूनिटी के साथ कौन कनेक्ट करता है? वो हमारे पास हमारे मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स को कनेक्ट करते हैं। हमारे इनेट सिस्टम को अडेप्टिव इम्यून सिस्टम को कनेक्ट करने वाले हमारे सेल्स हैं डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस। ये एंटीजन को पकड़ते हैं, एमएससी के थ्रू अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स टी सेल्स को दिखाते हैं और वो स्टिम्युलेट हो जाते हैं। डेंड्रिटिक सेल्स डेंड्रॉन से निकला है और ये एक ग्रीक वर्ड है। एनएडीपीएच ऑक्सीडेज कॉजेस ग्रेनुलोमेटिस इन्फ्लेमेशन। मैक्रोफेजेस को काम करने के लिए फ्री रेडिकल्स की जरूरत होती है, ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स की और साथ में नाइट्रोजन के फ्री रेडिकल्स की। और एनएडीपीएच ऑक्सीडेज इसी पाथवे के दौरान में आता है और इसकी जेनेटिक डेफिशिएंसी से ग्रेनुलोमेटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है। टोल लाइक रिसेप्टर्स स्टिमुलेट करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। अब टोल लाइक रिसेप्टर जो से हैं वो क्या कहते हैं, वो एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया या पैथोजन को रिकग्नाइज करती हैं। सी टाइप डेफरेंस रिसेप्टर्स भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को रिकग्नाइज करती हैं, लेकिन अगर साइटोटॉक्सिक टी सेल की स्टिमुलेशन के लिए हम लोगों को वो पैथोजन चाहिए होंगे जो कि सेल के अंदर घुस जाते हैं, जिसके अंदर वायरसेस आते हैं और साथ में कुछ इंट्रा सेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर बैक्टीरियाज वगैरह आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया के जो से हैं या पैथोजिन हैं ये सेल के अंदर घुसते हैं, और जब अगर पैथोजिन सेल के अंदर घुस गया है तो उसके अगेंस्ट हमारी सेल को किल करना पड़ता है और किलिंग इफेक्ट आता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का। लेकिन अगर टीएलआर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजिन को रिकग्नाइज करते हैं तो उसमें हमारे पास एंटीबॉडी प्रोडक्शन आएगी। इसका एक गलती हो गई थी, इसमें मेरे से आंसर साइटोटॉक्सिक टी सेल लग गया था, तो इसमें सबको एक नंबर मिल जाएगा। ह्यूमोरल इम्यूनिटी इंक्लूड्स कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग फैक्टर्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। नेचुरल किलर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम लिम्फोइड सेल्स, जबकि माइलोइड सेल्स से हमारे पास इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, हमारे इरिथ्रोसाइट्स और बाकी जो से सेल्स हैं वो बनते हैं। मोनोसाइट्स भी और मैक्रोफेजिस और डेंड्रिटिक सेल्स सारे इसी से बनते हैं। नेचुरल किलर सेल्स जिनसे हैं और साथ में टी सेल्स और बी सेल्स वो बनते हैं लिम्फोइड सेल्स से। मैक्रोफेजिस आर जनरेटेड फ्रॉम मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर रन कर रहे होते हैं। मोनोसाइट्स रन कर रहे होते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर और उसके बाद अगर वो टिश्यूज के अंदर चले जाते हैं तो उन्हें कहते हैं हम लोग टिश्यू मैक्रोफेजेस, लेकिन अगर वो हमारे पास बैरियर सेल्स के पास आके रहना शुरू हो गए तो डेंड्रिटिक सेल्स आते हैं। डिफेंसिस सेल मेम्ब्रेन पैथोजन की सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बना देते हैं। CD4 सेल्स आर स्टिमुलेटेड बाय MSC क्लास 2 और इसको दूसरा नाम होता है हेल्पर टी सेल्स। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स का दूसरा नाम होता है CD8 पॉजिटिव टी सेल्स और ये एक्टिवेट होते हैं, ये स्टिमुलेट होते हैं बाय MSC क्लास 1 के थ्रू। एंटीबैक्टीरियल पेप्टाइड्स आर केमिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, मैकेनिकल बैरियर्स या फिजिकल बैरियर्स, ये तीनों एक चीज का नाम है। उसमें हमारे पास स्किन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह आ जाती हैं और बायोलॉजिकल बैरियर्स में मदर से आई हुई एंटीबॉडीज वगैरह आ जाती हैं और हमारी वैसी एंटीबॉडीज आ जाती हैं, साथ में हमारा बॉडी का नॉर्मल फ्लोर आ जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन मैकेनिकल या फिजियोलॉजिकल दोनों दोनों तरह के बैरियर्स हैं, तो बोथ ए एंड बी हमारे पास इसके आंसर्स करेक्ट हैं। मैक्रोफेजिस एक्ट बाय जनरेटिंग पोलिन, इसमें एक्सेप्ट का वर्ड नहीं आना। इसमें हमारे पास मैक्रोफेजिस दो तरह के रेडिकल्स प्रोड्यूस करवाते हैं, ऑक्सीजन रेडिकल्स और नाइट्रोजन रेडिकल्स, और फॉस्फेट और सिट्रेट के रेडिकल्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। तो इसमें जिसने फॉस्फेट रेडिकल्स लगाया उसका आंसर भी करेक्ट है और जिसने सिट्रेट रेडिकल्स लगाया उसका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। RIGI हेलिकेज स्टिमुलेटेड बाय फॉलोइंग सॉरी इसके अंदर जो सा माइक्रोफेजिस आर जनरेटेड बाय फॉलोइंग में एक्सेप्ट का वर्ड आएगा। फॉस्फेट रेडिकल्स और सिट्रेट रेडिकल्स दोनों तरह के प्रोड्यूस नहीं होते हैं, लेकिन इसके अंदर RIGI हेलिकेज के अंदर एक्सेप्ट का वर्ड नहीं आना। और RIGI हेलिकेज वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं और वायरसेस क्या करती हैं, सेल के अंदर घुस जाते हैं, और इसके अंदर सिर्फ हमारे पास एक ही वायरस है, वो है पैरामिक्सो वायरस, बाकी तीनों हमारे पास बैक्टीरियाज हैं। और RIGI हेलिकेज
वायरसेस की है जो सा न्यूक्लियर मटेरियल है उसको रिकॉग्नाइज करती है, इसके अंदर एक्सेप्ट का वर्ड नहीं आना। मैक्रोफेजेस एक्ट बाय स्टिमुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स। CCR7 एक क्यूमोकाइन है और ये डेंड्रिटिक यूज करते हैं। हिस्टामिनेज एक एंजाइम है, प्रोटीनी नेचर होता है और ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय यूसिनोफिल और डिग्रेड करता है हिस्टामिन को, और हिस्टामिन प्रोड्यूस की जाती है बाय मास्ट सेल्स। प्रोफेशनल एपीसीज इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट एक्सेप्ट नेचुरल किलर सेल्स। मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स दोनों हमारे पास प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। इनहेंस एक्शन ऑफ नेचुरल किलर सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी इज नोन एज ADCC, एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी। इसका मतलब ये है कि नेचुरल किलर सेल्स वैसे भी अपना साइटोटॉक्सिक इफेक्ट करते हैं, लेकिन अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो उसकी मौजूदगी में इनका ये एक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेचुरल किलर सेल्स किल्स ऑल एक्सेप्ट बैक्टीरियल इन्फेक्टिव सेल्स को, ये किल नहीं करती हैं। वायरस को वायरस इन्फेक्टिव सेल्स और ट्यूमर सेल्स इनको ये किल करते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक एडजुवेंट है। फीटस इज प्रोवाइडेड बाय मदर इन इंट्रा यूट्राइन लाइफ बाय IgG, और उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू जो बेबी के अंदर जा रही होती है एंटीबॉडी वो IgA होती है। अर्टिकेरिया इज कॉज बाय विच सेल्स? अर्टिकेरिया हमारे पास मार्स सेल की वजह से होता है। द प्रोसेस ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स टू प्रेजेंट एंटीजन विदाउट बीइंग इन्फेक्टेड बाय वायरस इज नोन एज क्रॉस प्रेजेंटेशन। इसका मतलब ये है कि डेंड्रिटिक सेल्स खुद इन्फेक्ट नहीं होते हैं, वो स्टेप या वो प्रोसेस क्रॉस हो जाता है, उसको क्रॉस करके डायरेक्ट ही एंटीजन को पकड़ के हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को दिखा देते हैं, खुद ये इन्फेक्ट नहीं होते हैं। वरना अगर हम देखें तो जब भी वायरस एक सेल के अंदर घुसता है वायरस उसको इन्फेक्ट करता ही करता है, लेकिन डेंड्रिटिक सेल्स में एक ये खासियत होती है कि वो खुद इन्फेक्ट नहीं होते हैं कुछ डेंड्रिटिक सेल्स, बल्कि खुद इन्फेक्ट हुए बगैर वो एंटीजन को पकड़ के हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम को दिखा देते हैं। NGAL इज अ बायो मार्कर ऑफ एक्यूट रीनल इंजरी। TLR4 रिकॉग्नाइज करता है लाइपोपोलीसेकेराइड को। TLR2 रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे पास पेप्टाइडो ग्लाइकिन को, और TLR9 जिसे है ना वो बैक्टीरियल DNA को रिकॉग्नाइज करते हैं।